हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये है संडे व्लॉग का ही शाम वाला पार्ट। आज लंच करने के बाद सोचे थे कि हम लोग जाएंगे, शाम को कहीं निकलेंगे, पर निकल नहीं पाए। और देखिए ये इंसान को, ये है तारे ज़मीन के वो ईशान अवस्थी वाला, जो अपने ही धुंध में खोए रहता है, किसी चीज़ का परवाह नहीं है। परवाह है इसलिए मैं स्विगी का इंस्टामार्ट खोल के बैठी हूँ सामान ऑर्डर करने के लिए। बट क्यों, हम लोगों को तो निकलना था ना। निकलना था बट थोड़ा इसमें झोल हो गया ये कि हमने आराम से बैठ के चिकन राइस खाया बहुत दिनों बाद, और उसके बाद ऐसा नींद आया कि हम लोग उठे 6:30 बजे। प्लूरल नहीं, हम नहीं, तुम उठे 6:30 बजे। मैं उठी 6:30 बजे, जिसके बाद कि और बाहर जाने का कोई मतलब नहीं बन रहा था, बिकॉज हम लोग जहाँ जाने वाले थे वो क्लोज हो चुका था। वाह, श्रेया ने एकदम सही बोला कि हम लोग बहुत दिनों बाद चिकन खाए और बहुत लेट हो गया था। हम लोग खाते हुए उठे शायद 4:30 तक। मेरा तो हटाओ, मैं आके बैठ गई हूँ यहाँ पे। मैं लेट से उठी, पसर के बैठ गई कि क्या करूँ मैं उठ के। अभी बनाना क्या है, रात का तो कुछ करना पड़ेगा ना, 7 बज गए हैं। हाँ, मैं रात का जिम्मेदारी लेती हूँ, मैं बनाती हूँ। बट तुम 6:30 बजे तक घोड़ा बेच के सोए थे, इसके लिए मैंने कुछ बनाया भी नहीं। मुझे लगा तुमको खाना भी नहीं है, एकदम रात को खाओगे, इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया, डायरेक्ट रात का डिनर। बट तुमने जो साइड करके इतना चिकन रखवाया है और मंगा के रखा है, उसको कुछ तो बनाओगे। हाँ, कुछ तो बनाएंगे फॉर श्योर, क्योंकि 2 डब्बा डेफिनेटली मैं एक साथ नहीं बनाऊंगी। उसमें से एक जो डब्बा है उसका चिकन निकाल के मैं कुछ बनाती हूँ, ठीक है। मैं तो तुमको बोल दिया मैं डिनर में क्या बनाऊंगी, तुम इंस्टामार्ट पे क्यों, क्या देख रहे थे, कौन सा सामान देख रहे थे? मैं भी कुछ बनाऊंगी डेजर्ट, बट वो मैं बताऊंगी नहीं क्या, वो जब बनेगा तो दिखेगा। आज ही बनेगा ना वो? हाँ, वो आज ही बनेगा। सामान ऑर्डर हो गए? हाँ, अभी करूंगी मैं, प्लेस नहीं किया, तुम आ गए बोल के मैंने भी प्लेस नहीं किया। तुम जब बनाने जाओगे हाँ तो फिर मैं कर दूंगी। ठीक है, चलो फिर तुम इंस्टामार्ट से सामान ऑर्डर कर लो और मैं भी रात के डिनर का प्रिपरेशन कर लेती हूँ, ठीक है। ओके, तो हम आ गए हैं किचन में। यस, आ गए हैं किचन में। क्या बन रहा है, किस चीज़ का, कौन सा चिकन? ये जो बोनलेस चिकन रखा था ना, हाँ इसका ही मैं कुछ बनाऊंगी, ठीक है। तो देखते हैं क्या बनाती हूँ मैं, ठीक है। तुमने धो के रखा था, राइट? हाँ, धो के रखा था। उसके लिए तो ये जो सारी चीजें हैं, मैं पहले चिकन को मैरिनेट करती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ कि मैं कौन सा प्रोसेस करती हूँ, ठीक है। तुम चिकन मैरिनेट क्या देके करोगे? बेसिक जो है, कबाब बना रहे हो क्या? नहीं, मैं एक्चुअली बना रही हूँ एक चिकन चीज गार्लिक वाला एक रेसिपी है। ओके, देखते हैं, ठीक है, फिर वेट करते हैं तुम्हारा। तुम मैरिनेशन कर लो, मुझे तो बस खाने का इंतजार है और कुछ नहीं। जरूर, ठीक। मैरिनेशन तो हो गया है। स्मेल कैसा आ रहा है वो तो बोलो। बहुत अच्छा आ रहा है। yes. तुमने शायद इसमें चीज डाला है। हाँ, शायद डाला है। हाँ, समझ में आ रहा है, चीज डाला है। कैसे दिख रहा है चीज? बड़े मास्टर शेफ जैसे तुमने कमेंट किया। मैं अच्छा खाना बनाती ही हूँ, इसमें कोई शक है तुम्हें? कभी कभी होता है, मुझे तो नहीं होता। वो खुद का गलती कोई नहीं मानता ना। ठीक है, आप लोग भी बताइएगा कि मैं जो खाना बनाती हूँ वो अच्छा होता है या नहीं होता है। देखते हैं, मैं तो खाती हूँ ना, इसलिए। ठीक है, कैरेट केक। एज क्रिसमस आने वाला है और देवलीना को बहुत ज़्यादा पसंद है क्रिसमस के पहले से ही केक ये सब खाने का, तो कल हमने बनाया था कि सिनेमन रोल बनाया था। तो आज डेजर्ट में मैंने सोचा कि संडे है, फिर तो पूरा वीक टाइम नहीं मिलेगा तो कैरेट केक बनाने का, तो मैंने इसमें कैरेट डाला है, फ्लावर डाला है और बाकी सारे जो भी केक में चीज़ें लगते हैं मैंने वो डाला है। अगर रेसिपी देखना हो तो मैं रेसिपी अलग से अपलोड भी कर दूँगी, बट अभी के लिए आप देखो कि मेरा ऑलमोस्ट बैटर तैयार है। मैं बस इसको थोड़ी देर रखूँगी और फिर ओवन में डाल के इसको बेक करूँगी। फाइनली मेरा डेजर्ट रेडी होने जा रहा है। हाँ, तो तुम बना रहे हो केक, कैरेट केक। हाँ, तो जिनको नहीं पता है मैं बता दूं कि श्रेया को केक खाना और बनाना दोनों ही बहुत ज्यादा पसंद है। और ये मैं किसी और के लिए नहीं बना रही हूँ, मुझे पसंद है, मैं इसलिए बना रही हूँ। तुम्हें पसंद है इसलिए तुम अपने लिए बना रहे हो? मैं बना देती हूँ। अच्छा, बट मुझे पसंद है इसलिए मैं ये बना रही हूँ। खाएंगे तो सभी, मैं इतना सारा तो खुद नहीं खाऊंगी अकेले। ठीक है, चलते हैं। ओके,
9 बज गए हैं, तुम ये 7:30 बजे से लगे हो इसके पीछे। अरे बीच में मैंने मैरिनेशन के लिए छोड़ के रखा था ना, देखो इतना अच्छे से मैरिनेट किया ना, तो अभी बाय द वे हम लोग इसके इसको किसके साथ खाएंगे? देख इसको तो पास्ता के साथ खा सकते हैं, बट आज पराठे के साथ खाने। हाँ ठीक है, खा लेंगे। नहीं खा लेंगे पराठे के साथ। हॉग राइस भी इसका थोड़ा अच्छा जाता है, बट मैंने हॉग राइस नहीं बना पाती। नहीं ये ऐसा ही ठीक है, मुझे हॉग राइस नहीं खाना, मैं ऐसे ही खाना प्रेफर करूंगी। इसमें तुमने दिया क्या दिया, लहसुन दिया ना, और डायरेक्टली डाल दिया इसको इसमें। कैसा स्मेल आ रहा है? स्मेल तो अच्छा आ रहा है, क्रीमी स्मेल आ रहा है, मुझे क्रीमी स्मेल पसंद भी है एक्चुअली। ओके फ्रेश क्रीम नहीं डाला ना? नहीं डाला, फ्रेश क्रीम था भी नहीं एक्चुअली घर पे। अच्छा मैं केक को बेक होने चढ़ाऊंगी अब। ओके तुम वो बनाओ और मैं ये बनाती हूँ। ओके डन। जब तक मेरा चिकन पक रहा था इधर, तब तक श्रेया वहाँ पे ओवन में बेक करने के लिए केक को डाल दिया था। तो मेरा चिकन हो गया था तैयार। मैंने कुछ नया रेसिपी अपने तरीके से ही बनाया है। चिकन गार्लिक बटर गार्लिक वाला जो होता है वो मैंने ट्राई तो किया था, बट कुछ और ही बन के रह गया। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि मैं कोई ऐसा शेफ नहीं हूँ, तो जैसा बना है मेरे लिए बनाने कुछ और गई थी, बट अच्छा ही कुछ कम आउट निकला है। इस चिकन का मैं ज़रूर कुछ अपना नाम दूँगी, क्योंकि इसका सारे कस्टमाइजेशन मेरे ही है। तो इस चिकन का पूरा डिटेल वीडियो मैं इसी चैनल में डाल दूंगी, तो आप लोग प्लीज़ वो एक बार देख लेना और बताना कि यहाँ पे इस चिकन को और बेहतर करने के लिए मैं क्या ऐड कर सकती हूँ, या क्या माइनस करके इसको और भी बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि कम ज़्यादा चिकन बनाना हम लोग सभी अपने घर में करते हैं। तो आई थिंक आप लोगों का सजेशंस मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, तो वो प्लीज़ करना। तो यही था हमारे चिकन में जो आज का डिनर था वही, और जब चिकन बन के तैयार हो गया था इतना अच्छा एक खुशबू आया था, एक तो गार्लिक का स्मेल, उसके साथ चीज़ का, और उसके साथ जैसे एक क्रीमी फ्लेवर आया था उसका भी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और उस तरफ बन गया था श्रेया का केक। चिकन इज रेडी, सी इट इज रेडी। वाओ देख के अच्छा लग रहा है। पराठा आज माला भर मंगाया है मैंने, क्योंकि और पराठे बनाने के लिए टाइम नहीं है, बहुत लेट हो गया है। ठीक है मैं एक खाऊंगी। मैं भी एक ही खाऊंगी। ठीक है दो निकाल लो, मैं वेट कर रही हूँ, मुझे भूख लग गया है, काफी लेट हो चुका है हम लोगों को आज, है ना? हाँ थोड़ा सा वेट कर जाओ, मैं पराठा सेक के पर। बाय द वे मेरा केक भी बन गया है। रियली? हाँ बट वो भी ठंडा हो रहा है तो तुम अभी देख नहीं सकते। ठीक है बाद में देखती हूँ। ओके सो ये है हमारा डिनर आज का, जो कि है रेडी। पराठा सिर्फ बना नहीं पाए, उसको खरीदना पड़ा, बाकी ये मैंने बनाया है। अब देखते हैं श्रेया का कैरेट केक एज अ डेजर्ट कैसा होता है। उसके पहले डिनर कर ले। हाँ श्योर। ये देखो, आई नो उतना परफेक्ट नहीं हुआ है, बट केक बहुत अच्छा है। डेकोरेशन सही नहीं हो पाया, आई कैन नो, बट अच्छा ही बना अच्छा है। ठीक है तो मेरे पास क्रीम नहीं था वैसा, अच्छा। मैंने फ्रेश क्रीम से ही जैसा हो सकता था वैसे बनाया। ओके लेट्स कट। श्योर। देख के तो अच्छा ही लग रहा है श्रेया। अच्छा ही लग रहा है, देखो वो वाला। वाओ इट इज लुकिंग नाइस। सो हाउ इज द जोश? वेरी हाई। बहुत ही अच्छा बना है कैरेट केक, मतलब पहले आइटम जैसा तो बहुत अच्छा ही बना है। बाकी डिजाइन और चीजें मैं नहीं जा रही हूँ, ये अच्छे से कुक भी हुआ है, बहुत स्पॉन्ज हुआ है। हाँ अच्छा मुझे दिख रहा है, बहुत अच्छा स्पॉन्ज हुआ है। इज इट योर फर्स्ट ट्राई? नहीं केक तो मैंने बहुत बनाया है पहले, बट कैरेट केक फर्स्ट टाइम बनाया है। और बिकॉज मेरे पास फ्रेश क्रीम ये सब नहीं था, तो मैंने घर के ही जो नॉर्मल फ्रेश क्रीम आता है उससे ही बनाया है। व्हिप्ड क्रीम मेरे पास नहीं था उतना, तो बेकिंग का सामान मैं घर पे नहीं रखती। तो आज का संडे बहुत ही अच्छा रहा। हाँ और अभी संडे ब्लॉग को एंड करने का भी टाइम आ गया है, तुम एक बार ये खा के देखो कैसा लगता है। तो मेरा संडे तो आज बहुत अच्छा रहा, तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए। और ये केक का रेसिपी हम लोग जो डिटेल रेसिपी है वो चैनल पे डेफिनेटली अपलोड करेंगे, तो आप लोग भी संडे घर में एंजॉय कीजिए। कल से फिर मंडे, फिर ऑफिस आएंगे, फिर एक नए ब्लॉग के साथ। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिए, एंड डू लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू।